फ्रेंड्स, मेरे रोज ग्लो चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, राइस से रिलेटेड बहुत सारी क्रीम्स मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो व्हाइटनिंग देती हैं, जो ब्राइटनिंग देती हैं, पर आज कुछ अलग है। आज की जो राइस क्रीम है ना, वो सिर्फ व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग नहीं देगी, वो टाइटनिंग भी देगी। जी हाँ, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने ऐसे ऐड ऑन करे हैं जो आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स पे भी काम करेंगे, आपके डार्क स्पॉट्स पे भी काम करेंगे, आपके ओपन पोर्स की समस्या पे भी काम करेंगे। और तो और, आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड सी है, डल है, ड्राई है, बहुत बूढ़ी बूढ़ी सी महसूस होती है आपको अपनी स्किन, ये सारी समस्याएं ये एक क्रीम खत्म कर देगी आपकी। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्रीम दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी स्मूथ सी बढ़िया से टेक्सचर वाली ये क्रीम है, और जब आप इसे अपनी स्किन पे लगाएंगे ना, बड़ा स्मूथ और ब्यूटीफुल सा टेक्सचर है इस क्रीम का, तो बड़ी इजीली एब्जॉर्ब हो जाने वाली है आपकी स्किन के अंदर, बहुत अच्छा सा एक ग्लो दे करके जाएगी तुरंत ही आपकी स्किन पे। और जब आप इसे रेगुलरली यूज करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके फिनिश होना शुरू हो गई, क्योंकि भाई पूरी तरीके से होम मेड है, नेचुरल है, हमने इसे घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार किया है, तो इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, शर्त एक ही है, आपको रेगुलरली यूज करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, अभी मैंने लगाई और ये गायब सी हो गई है स्किन के ऊपर, और बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ स्किन है, और आप शाइन देख रहे हैं, कितनी अच्छी शाइन आई है मेरे हाथ पे। तो चलिए भाई, देखते हैं किस तरीके से हमने ये क्रीम बनाई, क्या क्या यूज किया, सारी डिटेल्स आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। अब देखिए, इस क्रीम को बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं चावल, तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच चावल का आपको यूज करना है, और उसमें आप ऐड करेंगे 1 चम्मच सफ़ेद वाले छोले, जिसे हम चिकपी बोलते हैं इंग्लिश में, और इन दोनों को वॉश कर लेंगे आप अच्छे से। वॉश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल, तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब गुलाब जल आपको ऐड करना है इसमें, 1-1 चम्मच करके, और इसे सोक करना है आपको गुलाब जल के साथ ओवरनाइट। उसके बाद सबसे लास्ट में आप इसमें ऐड करेंगे कुछ तार केसर के, इससे ना इसका एक कलर भी बहुत अच्छा आएगा और एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको ये क्रीम देगी। और दूसरी कटोरी में आप 5 बादाम प्लेन वाटर में भिगो करके, इन दोनों ही चीज़ों को आप ओवरनाइट सोक करके रख देंगे इस तरीके से ढक के। अब नेक्स्ट डे आप देखिए कितना अच्छा ये इसका चावल का और ये छोलों का कलर आ चुका है केसर के साथ में, थोड़ा सा गुलाब जल भी इसमें बचा हुआ है, तो इसे आप पूरा का पूरा एज इट इज़ ही मिक्सी के जार में डाल देंगे, साथ में आप बादाम छील के ऐड कर देंगे, और इसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल और ऐड करेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब, और इसे आप अच्छे से चला लेंगे मिक्सी में, और चला करके आप एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे किसी बाउल में छान लेंगे। अच्छा, ये जो बचा हुआ है ना, इसको आप अपने फेस पे, हाथों पैरों पे स्क्रबिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा स्क्रब बन गया है ये, और जितना हमने लिक्विड निकाला है उसमें हम एक एक करके बाकी मटेरियल्स ऐड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, तो 2 चम्मच एलोवेरा जेल आप इसमें ऐड कर देंगे, और उसे अच्छे से आपको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में अब आप इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या आमंड ऑयल, तीनों में से जो ऑयल आपके पास है आप वो ऐड कर सकते हैं, तो आप 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर लीजिए, या 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, या 2 चम्मच आमंड ऑयल, जो भी ऑयल है वो आपको ऐड करना है इसमें, और उसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स, 1-1 करके आपको इसमें ऐड कर देने हैं, और उसे भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप इसे एक कांच की बॉटल में डाल लेंगे, और 15 दिन स्टोर करके आप इसे रख लीजिए, मॉर्निंग इवनिंग आप इसका इस्तेमाल कीजिए, क्रीम बहुत बेहतरीन वर्क करेगी आपकी स्किन के ऊपर। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये क्रीम तैयार की। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चावल के साथ में छोले, सफेद छोले जो होते हैं, चिकपी बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, उनका इस्तेमाल किया है, केसर लिया है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल किया है। बादाम बेहतरीन हाइड्रेशन देगा, आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स पे भी काम करेगा, वहीं चिकपी जो है ना वो मैग्नीशियम से भरपूर होने के कारण पूरी तरीके से आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स पे ही फोकस करने वाला है। आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स धीरे धीरे करके आपको रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे, आपकी स्किन आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा यंग और यूथफुल नजर आएगी,
आपकी स्किन पे एक ग्लो भी आएगा, एक स्मूथनेस आएगी, एक सॉफ्टनेस आएगी, एक सपलनेस आएगी, आपकी स्किन बिल्कुल स्पॉटलेस और ग्लोइंग बन जाएगी। तो जरूर ये क्रीम बनाइए भाई, इतने सारे गुण गिनाए हैं, बनाना तो बनता है, इसे बना के ट्राई करके देखिए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले। मुझे तो भाई बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं, मैं इसे रेगुलरली यूज कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है, तो आप भी ट्राई जरूर करके देखिए। अब आते हैं आज की क्विक टिप पे। जिन लोगों के बाल बहुत टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, जड़ों से सफेद हो रहे हैं, उनके लिए आज की रेमेडी, आपको 1 से 1.5 कटोरी नारियल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आप यूज करते हो, आपको सूट करता हो, ले लीजिए। उसे आप कढ़ाई में डाल लीजिए, लोहे की कढ़ाई में, और उसमें आपको ऐड करना है 1 से 1.5 चम्मच के करीब सूखा आंवला साबुत। अगर आपके पास सूखा आंवला अवेलेबल नहीं है और आपके पास फ्रेश आंवला है तो 1 से 1.5 फ्रेश आंवला आप उसमें छोटे पीसेस करके ऐड कर देंगे। साथ में आप 1 से 1.5 चम्मच के करीब मेथी दाना ऐड कर देंगे और इस ऑयल को अच्छे से पका लेंगे सिम आंच पे 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद आप इसे ठंडा करके ओवरनाइट कढ़ाई में ही पड़ा रहने देंगे, ठंडा कर लेंगे। सुबह आप इसे छान के बॉटल में भर लेंगे और इस ऑयल को आप रेगुलरली 1 महीने तक वीक में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। और यकीन जानिए फ्रेंड्स, आपको इस रेमेडी से इतना फायदा होने वाला है, जब सारी रेमेडीज एक तरफ और ये एक सिंगल रेमेडी एक तरफ है, आपके बाल जड़ों से काले होना शुरू हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, जड़ों से टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे। और आप करके देखिए भाई ये रेमेडी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग राइस क्रीम और आज की ये बहुत ही इजी सी क्विक टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिए। टेक केयर।